बरेली निकाय चुनाव में लखनऊ से आई पर्यवेक्षक संयुक्त समदार ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में तैयारी का सारा काम किया जा चुका है। 11 मई को चुनाव होना है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। SSP प्रभाकर चौधरी ने पुलिस की व्यवस्था कर रखी है। बूथ पर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी की गई है। ये जो संवेदनशील बूथ है उन पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को परेशानी ना हो। भौगोलिक दृष्टि से भी बूथों को तैयार किया गया है। मतदाताओं के मन में सुरक्षा का भाव रहे, हमारे बूथ अवैध होंगे, मतदाता के अलावा कोई खुराफाती तत्व अंदर नहीं जा सकेगा। हमारी तैयारी बिल्कुल करीब है। आने वाले समय में जैसे कि ट्रेनिंग का कार्य हम पूरा कर चुके हैं। 10 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टी जाएंगी, 11 तारीख को चुनाव होना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था करा रखी है। SSP साहब ने बूथों की संवेदनशीलता के अनुसार वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बना रखा है। सेक्टर और जोन्स में हमने पूरे नगर निकायों को बांट रखा है, जहां पर 3 से 5 वार्ड पर एक हमारे जैसे कि ARO साहबान है और 3 वार्ड पर हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखा है और 2 सेक्टर पर एक जोनल मजिस्ट्रेट लगा रखा है। इस बनाई गई है बेसिकली है कि यहाँ से बरेली क्लब से सारी डिप्लॉयमेंट होगी। रवानगी और पोलिंग पार्टीज है वो यहाँ कॉलेज से होगा और उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद 8 बजे पोल शुरू हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द पोल पुलिस फोर्स के साथ कंपनी होके पोलिंग पार्टीज अपना जो EVMs है वो जमा करेंगी परसा खेड़ा में, जहाँ पिछली बार की काउंटिंग हुई थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।